तो बात कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि मैं एक नई जिंदगी नए शहर के साथ लेके सिर्फ अपने घर वालों की याद और कुछ किताबों को साथ जीने जा रही थी उस जिंदगी को जिसके बारे में शायद मैंने अभी तक कुछ सोचा भी नहीं था। सिर्फ करके याद अपने माँ पापा की वो बात जो उन्होंने मुझसे बोली थी, जिस बात ने हर वो राह मेरी मंजिल की खोली थी। उस राह पर मैं पूरे दिमाग से पक्की थी, पर शायद कहीं ना कहीं इस दुनिया का खेल समझने में कच्ची थी। तो इस तरह हो गई थी मेरी एक संघर्ष भरी जिंदगी की शुरुआत और बीत गई थी वो सपनों भरी सुहानी सी रात, नई जिंदगी नए शहर के साथ। तो नई जिंदगी नए शहर के साथ कुछ अच्छी ही चल रही थी, पर शायद खुद से बेखबर थी मैं कि जिंदगी अभी भी कुछ नया जोड़ने को तुली हुई थी। तो ऐसे ही खत्म हो गई थी एक और वो रात मेरे सारे सपनों के साथ, और अब एक नई सुबह हो चुकी थी जो शायद बीती हुई सुबह से कुछ तो नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था यह मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी और जिंदगी अभी भी कुछ नया जोड़ने को तुली थी। तो बता ही देती हूँ वो कुछ नया क्या था, उन दिनों में मिली खुशी और गम का दर्द क्या था। तो मिल रही थी मैं कुछ नए चेहरों से, हर पल बदलने वाले पहरों से, क्योंकि जैसे मैंने कहा था यह सिर्फ एक कदम मेरी जिंदगी की शुरुआत थी, दिल से पक्की थी पर कहीं ना कहीं कच्ची थी। और इसके चलते हुए मैं हर उस बात को, हर चेहरे को सच्चा समझ रही थी। उनमें से कुछ चेहरे अच्छे थे, दिल के सच्चे थे, पर शायद कुछ को मैं अभी भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था यह मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी, तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी अपना ही समझे जा रही थी। और शायद उस वक्त मैं नई जिंदगी नए शहर नए लोगों में खो गई थी और कहीं ना कहीं अपने सपनों से भी दूर हो गई थी। जो सपने कल तक मेरी जिंदगी थे, आज मैं उनको भूलती जा रही थी, क्योंकि उन अजनबी लोगों की बातें सुनकर मैं किसी और ही रास्ते पर जा रही थी। हाँ, शायद मैं अपने सपनों से भटक गई थी, पर कहीं ना कहीं इन गुजरे दिनों में मैं कुछ अच्छे लोगों से भी मिल गई थी। जो अच्छे लोग मेरा हर पल हौसला बढ़ा रहे थे, मेरी हर खुशी में मेरा साथ दे रहे थे। As we know, God always knocks the door of our mind that what is wrong and what is right. But this is totally your choice what you want to choose and which path you want to lose. So after knocking off that door, अचानक माँ पापा की वो बात याद आ गई जो उन्होंने मुझसे बोली थी। तो बता ही देती हूँ वो बात क्या थी। तो कहा था कि बेटा, कर रही हो तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत, पाओगी हर कदम पर नए लोगों का साथ, पर दुनिया को पहचानने में कतरा मत जाना, कहीं अपने सपनों से तुम भटक मत जाना। भटक भी जाओ अपने सपनों से, तो एक बार अपने कुछ पुरानी और बदलने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच आना उस दिन शायद मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर शायद दुख से नहीं, खुशी से तरी हुई थी। बिकॉज आई थिंक वॉट एवर इज़ गोइंग इन आवर लाइफ इज टोटली फॉर आवर गुड, and if that day I didn't fall from the way of my dreams, then maybe today I am not able to get all my dreams. So knock knock, here's the announcement for all that people who always discourage me and all the people who always encourage me, that I have started my new journey with full of my dreams without any regret and any screams. And for this, totally thanks to my parents, because every time they are my courage. So this was the starting of the struggle to fulfill all my dreams without any regret and any screams. Thank you so much.